डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा कल रिमेनिंग पार्ट रहेगा था सेल के बारे में। ठीक है, कल हमने सेल का जनरल ओवरव्यू देख लिया था कि इसके कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, सेल का क्या फंक्शन होता है और हमारी बॉडी की फंक्शनल यूनिट कौन सी है, ये सेल होती है। ठीक है, अब इसका पार्ट पढ़े हैं हम, जो इसके कल हमने डिवीजन पढ़े थे कि कितने डिवीजन होते हैं। इसके तीन डिवीजन होते हैं। एक होता है जो बाहर की लेयर है, सेल मेम्ब्रेन, जो अंदर है, जो फ्लूड है साइटोप्लाज्म, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, और जो बाहर की जो बीच में जो बिल्कुल होगी वो कौन सी होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि जो ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। अब ध्यान से देखना, जो साइटोप्लाज्म है, पहले एक आई थी इसकी स्ट्रक्चर जो फर्स्ट टाइम थी, वो आई थी इसकी प्रोटीन बाइलिपिड स्ट्रक्चर, प्रोटीनस या बाइलिपिड प्रोटीनस स्ट्रक्चर आई थी। मतलब क्या था कि दोनों तरफ क्या होंगे, प्रोटीन, उसके ऊपर भी क्या होगा, प्रोटीन, और साइड में भी क्या होगा, वहां पर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं बना करके कि कैसा बनता है। सबसे पहले हम बनाएंगे कि इसमें लिपिड कौन कौन से प्रेजेंट हैं या कहां कहां पर इसमें लिपिड प्रेजेंट होता है। देखो, अब ये तो क्या हुआ, लिपिड की लेयर हम लोगों ने क्या की है, बनाई है। कौन सी लेयर है, ये लिपिड की लेयर है। ठीक है, और यहां पर भी कौन सी लेयर है, ये लिपिड की लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, जो इसके दोनों तरफ रहेगी, ये क्या है, एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर यहां पर प्रेजेंट है। ये कौन सी लेयर प्रेजेंट है, यहां पर लिपिड की लेयर प्रेजेंट है, सॉरी प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट है। यहां पर भी क्या है, प्रोटीन, और दूसरी तरफ भी क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, यहां पर अब ध्यान से देखना स्ट्रक्चर कैसे बनेगी इसकी। PLL स्ट्रक्चर था कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमारी मेम्ब्रेन का दिखाई देता है, लेकिन अगर दोनों तरफ लिपिड हैं और ऊपर से प्रोटीन है, तो ये क्या शो करती है, हार्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, हार्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अगर ये हार्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल को दिखाती है या सेल मेम्ब्रेन, लेकिन हमारी सेल मेम्ब्रेन एक्चुअल में कैसी होती है, ये लिक्विड इन नेचर होती है। कैसी होती है, लिक्विड इन नेचर। जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिक्विड होगी नेचर में, लेकिन इस स्ट्रक्चर ने क्या दिखाया कि जो हमारी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, वो कैसी है, हार्ड स्ट्रक्चर है। उसने क्या दिखाया कि ये हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, ये हार्ड होगी अगर दोनों तरफ से क्या है, इसके ऊपर और नीचे भी क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। लेकिन हमारी सेल कैसी होती है मेम्ब्रेन, वो लिक्विड होती है नेचर में। तो अगर लिक्विड है नेचर में, इसलिए इस थ्योरी को क्या किया गया, जो ये स्ट्रक्चर जो आया था वो क्या कर दिया गया, वहां पर रिजेक्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, वहां पर इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये जो स्ट्रक्चर था, ये क्या हुआ, रिजेक्टेड। जो इसका दूसरा जो स्ट्रक्चर जो आया, वो कौन सा आया था, ध्यान से देखना आप। जो दूसरा इसका स्ट्रक्चर आया, जिस मॉडल को क्या किया गया, अप्रूव किया गया, वो कौन सा मॉडल था, फ्लूड
मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वो किसने दिया था ध्यान से देखना, सिंगर एंड निकोलसन ने। सिंगर एंड निकोलसन ने क्या किया था, उस मॉडल को दिया था। अब इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि कैसा होता है। देखो अब ये स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा दिखाई देगा, जब अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे आप लोगों को, ठीक है, और यहां पर भी क्या हो, प्रोटीन्स प्रेजेंट हो, यहां पर भी क्या हो, प्रोटीन्स प्रेजेंट हो, तो यहां पर क्या है, ये दोनों की दोनों लेयर लिपिड की लेयर हो गई, ऊपर कौन सी लेयर हुई है, प्रोटीन की लेयर, इसको बोला जाता है पेरिफेरल प्रोटीन लेयर, पेरिफेरल प्रोटीन लेयर, और इसको भी क्या बोला जाएगा, पेरिफेरल प्रोटीन लेयर। लेकिन इस मॉडल में क्या दिखाया गया कि यार जो यहां पर ये जो साइड में है, यहां पर भी क्या प्रेजेंट होगी, प्रोटीन प्रेजेंट होगी, और इसको क्या बोला गया, ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन, इसको क्या किया गया वहां पर बोल दिया गया, ठीक है, कि ये जो प्रोटीन है जो हमारा सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, क्या है कि पेरिफेरल में भी क्या है, प्रोटीन है, और साइड में भी क्या है, प्रोटीन है, और इस लिपिड के अंदर में क्या है, यहां पर पूरा फ्लूइड फील्ड है, इसके स्ट्रक्चर्स में क्या प्रेजेंट है, कंप्लीटली इसके कॉर्नर्स पे सब जगह पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या बोला गया इसको, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, क्या बोल दिया गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और करंट में कौन सा मॉडल चल रहा है, करंटली एक्सेप्टेड, इसको क्या किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है, और यही क्या करते हैं, शो करेक्ट सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की करेक्ट पोजीशन को कौन दिखाता है, ये वाला मॉडल दिखाता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने, दोनों ने मिलकर दिया था। ये दो क्या थे, साइटोलॉजिकल स्टडी को करते थे, साइटोलॉजिकल स्टडी को करते थे, और ये क्या थे, साइंटिस्ट, और ये क्या थे, साइंटिस्ट वहां पर थे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, इसमें कितना परसेंटेज लिपिड का होता है, कौन से इसमें चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, कैसे ये परमिएबल है, कौन कौन से एंजाइम्स की इसके अंदर एक्टिविटी होगी, ठीक है, कौन सा इसमें डिफ्यूजन हम लोगों को देखने को मिलता है। अब देखना आप लोग, इसमें से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफ्यूजन के रिगार्डिंग, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफ्यूजन के रिगार्डिंग, और ये डिफ्यूजन जो है यही दिखाता है आप लोगों को कि प्रेगनेंसी में, जब प्रेगनेंसी है तो वहां पर क्या होता है, फ्लूइड का लेवल बढ़ जाता है, क्या होता है वहां पर, फ्लूइड का लेवल बढ़ जाता है, और हम लोग क्या करते हैं वहां पर हमें पता चलता है कि क्या है, कि कैसे फ्लूइड का रेगुलेशन होता है सेल्स के अंदर, क्यों वहां पर फ्लूइड का रेगुलेशन बढ़ता है, वो किसकी वजह से बढ़ेगा, सेल मेम्ब्रेन की वजह से, और हम क्या करेंगे उसको अब डिस्कस करेंगे। देखो अब जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करके हम लोग लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे। देखो ये क्या है, इट इज द कवरिंग ऑफ ह्यूमन सेल, इट इज द कवरिंग ऑफ ह्यूमन सेल, कि जो ह्यूमन की जो सेल्स हैं, जो ह्यूमंस की जो सेल्स हैं, उसमें क्या होता है, उसकी कवरिंग को कौन करता है, ये सेल मेम्ब्रेन करती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कंपोजिशन, कि इसकी कंपोजिशन क्या क्या है, अगर इसमें प्रोटीन है, लिपिड है, उसका कितना कितना हम लोगों को कंपोजिशन वहां पर देखने को मिलता है। अगर हम लिपिड की बात करें तो वो तो होता है 45%, लिपिड कितना होगा, 45% होगा। अगर हम दूसरी बात करें लिपिड के बाद, प्रोटीन, सॉरी 55% जो प्रोटीन है वो कितना होता है, 40%, और जो कार्बोहाइड्रेट है
वो कितना होगा? 5% सी एच ओ। कार्बोहाइड्रेट क्या है? 5% क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ये तो क्या होगी? हमारी कंपोजिशन होगी सेल मेम्ब्रेन की। लेकिन हमने बोला कि इसमें लिपिड का क्या है? कंपोजिशन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि लिपिड जो है, कौन कौन सा लिपिड यहाँ पर प्रेजेंट है? देखो, अब हम अगर लिपिड के कंपोजिशन की बात करें, इसको अलग से करके लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड कितना होता है? 75%। कितना हो गए? फॉस्फोलिपिड, जिसमें फॉस्फेट और लिपिड एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं और वहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करके क्या करते हैं? मिडल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। मान लो ये क्या थी? एक सेल मेम्ब्रेन है। ये हमारी सेल के चारों तरफ की क्या है? एक मेम्ब्रेन है। अगर हम इसको डाइसेक्ट करके ओवरव्यू इसका करते हैं, क्या करते हैं? अगर इसका डाइसेक्ट करके अगर हम ओवरव्यू करते हैं, मान लो ये सेल का टुकड़ा क्या किया हमने? ले लिया। अगर ये सेल का टुकड़ा लेते हैं और अगर इसकी स्ट्रक्चर अगर हम लोग पढ़ें, तो हमें क्या दिखाई देगा? हमें तीन लेयर इसकी दिखाई देंगी। कितनी लेयर दिखाई देंगी? तीन लेयर हम लोगों को क्या रहती हैं इसकी दिखाई देती हैं। जो फॉस्फोलिपिड होगा वो तो क्या रहेगा? यहाँ पर प्रेजेंट होगा। क्या? फॉस्फोलिपिड। और इसको क्या कर देता हूँ मैं? इसी से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या होगा? यहाँ पर फॉस्फोलिपिड, जो इनर लेयर होगी और जो मिडल लेयर होगी, इन दोनों के बीच में क्या मिलता है? फॉस्फोलिपिड आप लोगों को दिखाई देता है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें फॉस्फोलिपिड के बाद में, तो सेकेंड आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल कितना होता है? 20%। कोलेस्ट्रॉल कितना होगा? 20% होगा। थर्ड की अगर हम लोग बात करें, ग्लाइकोलिपिड। देखो, मैंने अब क्या बोला यहां पर? कोलेस्ट्रॉल 20%। ये क्या करेगा? जो सबसे नीचे वाली जो वॉल है, ये जो सबसे नीचे वाली वॉल है, इसको क्या करके रखता है? ये कंपोज करके रखता है, ठीक है। सबसे नीचे वाली लेयर को क्या करेगा? कंपोज करके रखेगा कोलेस्ट्रॉल। और इसको इसी से डिनोट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोगों को पता रहेगा कि कौन सा फॉस्फोलिपिड है, कौन सा कोलेस्ट्रॉल है। अब बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड की, मतलब क्या है? यहां पर ग्लाइकोजन, जो ग्लूकोज की जो क्या करता है, ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होगा। कहाँ पर होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। लेकिन ट्रांसफर कहाँ से होता है? इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है? वो ट्रांसफर होता है और उसके बाद एटीपी की फॉर्म में चेंज हो जाएगा ग्लूकोज, ठीक है। तो एटीपी की फॉर्म में क्या रहेगा? उसको माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिपिड कितना होगा? 5%। ये क्या रहता है? अपर पार्ट में रहेगा। ये कहाँ पर रहेगा? अपर पार्ट में रहेगा, ठीक है। कौन से पार्ट में रहेगा? अपर पार्ट में रहेगा। ये आप लोगों का क्या हुआ? ये कवरिंग हो गई, ठीक है, ह्यूमन सेल की। इसके हम लोगों ने कंपोजिशन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं ट्रांस मेम्ब्रेनस जो प्रोटीन है वो क्या क्या वहां पर हमें देखने को मिलेंगे। देखो, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इसमें कौन कौन सी मिलती हैं? तो इस वाले स्ट्रक्चर ने क्या बताया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने? एक बार ये देख लेते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने क्या बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है? लिक्विड है नेचर में, इज लिक्विड इन नेचर। तो अब इसी के साथ में हम देख लेते हैं कि जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होगा एक्ट एज आयन चैनल ओपनिंग। एक्ट एज आयन चैनल ओपनिंग की क्या है कि जो ट्रांस मेम्ब्रेन जो प्रोटीन है
वो वहां पर क्या काम करेगी, आयन चैनल ओपनिंग का काम करेगी। दूसरा हम क्या बोलते हैं, इंपोर्टर, जो अंदर लेकर के आने का काम करेगी। सिंपोर्टर, जो वहां से डिस्पैच करने का काम करती है। ठीक है, ये तीन चीजें क्या होती हैं, वहां पर प्रेजेंट होती हैं। कहां पर, जो ट्रांस मेम्ब्रेन जो प्रोटीन है वहां पर। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करना, थोड़ा क्या है, या वहां पर इंपोर्टर और सिंपोर्टर क्या होंगे, वहां पर प्रेजेंट होंगे। पहला क्या है, एक्ट एज आयन चैनल ओपनिंग की तरह काम करेगा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, और दूसरा क्या है, इंपोर्टर। इंपोर्टर का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट करना, अंदर की तरफ क्या करना, रिसीव करना किसी भी फ्लूड को, कोई भी सोडियम हो गया, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, कोई डीएनए आरएनए को क्या करना, वहां पर स्टोर करके रखना हो। ठीक है, तो वहां पर कौन काम करेगा, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन वहां पर काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो एक चीज याद रखना, जो सबसे पहला फंक्शन होगा वो क्या करेगी, ये जो सबसे पहला फंक्शन होगा, इट फिक्स द शेप एंड साइज ऑफ अ सेल। क्या करती है ये, इट फिक्स द शेप एंड साइज ऑफ अ सेल, कि जिस डायरेक्शन में सेल है अगर उसके चारों तरफ से वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन वहां पर प्रेजेंट है, तो क्या होगा, उसी शेप में उसको क्या कर देगी, वो वहां पर फिक्स कर देगी। दूसरा क्या है, इट एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये क्या करेगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, इट एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दूसरा, इट प्रोवाइड और हेल्प इन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मेटीरियल फ्रॉम सेल। किस में हेल्प करती है ये, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मेम्ब्रेन फ्रॉम सेल, इन तीनों में क्या करेगी, ये हेल्प करती है। नेक्स्ट वन की अगर हम लोग बात करें, ये क्या करती है, ये सेल को प्रोटेक्ट भी करती है, इट प्रोटेक्ट द सेल, इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम टॉक्सिक कंपोनेंट। मतलब क्या करेगी, मैंने बोला यहां पर कैसी मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो यहां पर होगा क्या, जो टॉक्सिक कंपोनेंट होंगे उसको सेल क्या करेगी, अंदर अपने क्या करेगी, उसको अलाउड नहीं करती है। इंपोर्टर जो वहां पर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होंगे वो टॉक्सिक मटेरियल को क्या करेंगे, अंदर अलाउड नहीं करेंगे, और सिर्फ उन चीजों को क्या करते हैं, वो इंपोर्ट करते हैं जो सेल के लिए क्या है, बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई क्रोनिक डिजीज हो जाती है तो क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वहां पर ये टॉक्सिक मटेरियल अंदर की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे और उसकी वजह से क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। जैसे ही सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो क्या होगा, सेल भी क्या हो जाती है, लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, इसके कंपोजिशन हो गए। फिर हम लोग देखते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल मूवमेंट, सेल मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स मूवमेंट, कि सेल जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कैसे होती है। ठीक है, वो अब हम लोग क्या करते हैं, असेस करेंगे। देखते हैं अब कि जो सेल मेम्ब्रेन जो है
उसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कैसे होगी, सेल मेम्ब्रेन्स मॉलिक्यूल मूवमेंट, सेल मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स मूवमेंट। अब हम इसमें क्या देखते हैं, दो एक्टिविटी को इसमें क्या करेंगे, चेक करेंगे। पहली कौन सी एक्टिविटी होती है, एक्टिव मूवमेंट। क्या होगी वहां पर, एक्टिव मूवमेंट होगी कि खुद से क्या हो जाए, वहां पर मूवमेंट हो मॉलिक्यूल्स की। इफ देखो ध्यान से सुनना इसकी डेफिनेशन एक बार, इफ मॉलिक्यूल्स मूव टुवर्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हैं उसके उसकी तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो मतलब क्या है, यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होती है, मूवमेंट होती है, टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट। ठीक है, ये आप लोग क्या करना, ध्यान में रखना कि एक्टिव मूवमेंट में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होती है, इनकी मूवमेंट होती है। किसकी, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो ग्रेडियंट, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके साथ में क्या करता है, अगर वो मूवमेंट शो करता है। दूसरी अगर हम लोग बात करें पैसिव मूवमेंट की, पैसिव मूवमेंट क्या दिखाता है, ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, यहां पे मैंने लिखा टुवर्ड्स, मूव टुवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करता है, जैसे फॉर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फॉर एग्जांपल ये गैस का सिलेंडर भरा हुआ है और उसको आप क्या करते हो, उसके जो सील्ड होती है, जो उसको क्या करते हैं, अगर आप लोग सील्ड को ब्रेक करते हो तो क्या होगा, अब उसके अंदर क्या है, प्रेशर बढ़ा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन से क्या करेगा, बाहर की तरफ जहां पर लोअर कंसंट्रेशन है वहां की तरफ ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। दूसरा अगर हम लोग देखें पैसिव मूवमेंट में, तो इसमें क्या होता है, इफ मॉलिक्यूल्स मूव अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, या फिर हम लोग क्या बोलें कि जो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल देखो, पहले मैंने आप लोगों को यहां पर एग्जाम्पल बताया कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसमें क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी। कि गैस सिलेंडर में अगर हम लोग गैस भरते हैं, भर के रख दिया, अब उसकी सील्ड को अगर ब्रेक करेंगे, वहां पर क्या होगा, इंटरनल प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हुआ, तो वो क्या होगा, अब अंदर प्रेशर ज्यादा है तो वो बाहर की तरफ क्या करेगा, जहां पर लोअर कंसंट्रेशन जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, तो वहां पर इंटरनल एनवायरनमेंट में प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो वहां से एक्टिवली क्या कर सकता है, मूवमेंट करेगा, और फिर वहां से क्या हो जानी स्टार्ट हो जाती है, गैस लीक हो जाती है। ऐसा है, लेकिन पैसिव मूवमेंट में क्या होगा, अपोजिट होगा। कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई आप लोग बैलून को क्या कर रहे हो, फुलाने का काम करते हो, अब अंदर पे क्या है, वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि वहां पर उसका स्ट्रक्चर क्या है, बहुत कंस्ट्रक्टेड सा होता है, और बाहर से आप लोग क्या करते हैं, फोर्सफुल क्या करोगे, वहां पर एक्सपायरेशन करके उसके अंदर क्या करते हो, एयर को फ्लो करने का काम करते हो। अब लोअर कंसंट्रेशन से क्या करते हो, जहां पर हायर कंसंट्रेशन है वहां पर अगर मूवमेंट होगी तो क्या होगा, उस कंडीशन में पैसिव मूवमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि जो डिफ्यूजन है, जो पैसिव डिफ्यूजन है, उसके क्या क्या टाइप होते हैं। ठीक है, जो पैसिव डिफ्यूजन है उसके क्या क्या टाइप होंगे। पहले हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूल मूवमेंट, कौन सी कितनी मूवमेंट होती है, वहां पर दो मूवमेंट हुई। पहली मूवमेंट हुई एक्टिव मूवमेंट की, ऑटो अपने आप से क्या हो रही थी, वहां पर मूवमेंट हो रही थी। ठीक है, दूसरा हम लिखे पैसिव मूवमेंट, देखो अब यहां पर तो क्या हो रही थी, एक्टिवली मूवमेंट हो रही थी,
या फिर हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं कि आपने क्या किया कि हमारी वाटर टैंक में क्या था, छत पे पानी था, अब वहां से हमने नीचे से टेप को ओपन किया, अब वहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है और नीचे क्या है कम, तो वहां से क्या रहेगा ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा। दूसरा पैसिव की अगर हम लोग बात करें, अब वहां पर तो कोई एनर्जी यूज नहीं हुई, जब टंकी से नीचे की तरफ पानी आया वहां पर कोई एनर्जी यूज नहीं हुई, लेकिन पैसिव अगर एक्टिविटी की बात करें, जैसे हम लोग वाटर मोटर चलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोटर चलाएंगे, तो वहां से क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन से क्या अब ऊपर की तरफ पानी को फ्लो करवाना है, हायर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करवाना पड़ेगा, मूवमेंट करवाना पड़ेगा, वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है। ऐसे हमारे सेल का काम है, जहां पर एक्टिव मूवमेंट होगी तो वहां पर आप लिख सकते हो नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर पैसिव मूवमेंट की बात करते हो तो पैसिव मूवमेंट में क्या होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की वहां पर रिक्वायरमेंट होगी। अब हम लोग बात करते हैं पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, तो सबसे पहला लिखते हैं हम लोग एक्टिव सॉरी सिंपल डिफ्यूजन, कितने टाइप होते हैं इसके, सिंपल डिफ्यूजन, और नेक्स्ट होता है फैसिलिटेटरी डिफ्यूजन, फैसिलिटेटरी डिफ्यूजन। देखो जो सिंपल डिफ्यूजन है इसको कोई भी आयन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, नो आयन चैनल ओपनिंग रिक्वायरमेंट, नो आयन चैनल ओपनिंग रिक्वायरमेंट। यहां पर जो भी आयन्स हैं उनके जो चैनल वहां पर प्रेजेंट हो गए उनकी कोई भी ओपनिंग की रिक्वायरमेंट वहां पर नहीं होगी। क्यों, देखो क्या होता है इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, गैसेज हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, गैसेज हो सकती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से हो सकते हैं, सोडियम पोटेशियम हो सकता है और कैल्शियम हो सकता है, ठीक है, ये क्या करेंगे इनसाइड द सेल, ये कहां पर रहेंगे इनसाइड द सेल, ऑलरेडी कहां पर रहेंगे इनसाइड द सेल। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें फैसिलिटेटरी डिफ्यूजन की, दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करते हैं फैसिलिटेटरी डिफ्यूजन की, तो वहां पर क्या रहता है, आयन चैनल ओपनिंग रिक्वायरमेंट, आयन चैनल ओपनिंग रिक्वायरमेंट, कि वहां पर क्या होगा, आयन को जो चैनल्स हैं उनकी ओपनिंग की क्या है वहां पर रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की मूवमेंट, किसकी मूवमेंट, ग्लूकोज की मूवमेंट, दूसरा क्या करते हैं प्रोटीन, अब ध्यान से देखना प्रोटीन में क्या है, अमाइनो एसिड्स की मूवमेंट होगी, तो वहां पर क्या रह सकती है, इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट रह सकती है, इन सब चीजों की क्या हो सकती है वहां पर रिक्वायरमेंट रह सकती है, ठीक है। यहां पर ग्लूकोज या प्रोटीन स्ट्रक्चर की मूवमेंट होगी, यहां पर जो गैसेज या इलेक्ट्रोलाइट होते हैं साथ में, और क्या हो सकता है यूरिया, ठीक है, यूरिया हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है, इन सब चीजों की यहां पर क्या होती है मूवमेंट हो सकती है सिंपल डिफ्यूजन में। और फैसिलिटेटरी डिफ्यूजन में क्या होता है कि कोई ग्लूकोज का मूवमेंट होना या फिर कोई प्रोटीन का क्या होना वहां पर मूवमेंट होना, ठीक है, ये सब चीजें क्या आती हैं पैसिव डिफ्यूजन में आएंगी। याद रखना फैसिलिटेटरी में आयन चैनल ओपनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन सिंपल डिफ्यूजन में कोई आयन चैनल ओपनिंग की रिक्वायरमेंट वहां पर प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, किसके बारे में डिस्कस करेंगे, साइटोप्लाज्म के बारे में। ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट कि साइटोप्लाज्म अपने एक्टिविटी को कैसे शो करेगा। देखो साइटोप्लाज्म ये क्या है, सेल वॉल्यूम ऑफ अ सेल, सेल वॉल्यूम ऑफ अ सेल, क्योंकि सारा का सारा क्या है ये लिक्विड होता है,
सारा का सारा क्या होता है, ये लिक्विड होगा। तो इसमें हम सबसे पहले एक चीज़ को देखते हैं, साइटोसोल के बारे में पढ़ेंगे, इसमें इसके बारे में पढ़ेंगे, साइटोसोल के बारे में। ये साइटोसोल क्या है? एक्चुअल में जो वॉल्यूम है, जो सेल वॉल्यूम होगा, ठीक है, उसमें से अगर हम लोग डिवाइड करें, जो वहाँ पर जहाँ पर वहाँ पर सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, सेल ऑर्गन्स के सराउंडिंग में जो फ्लूइड प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी कोई सेल का स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट है, ये क्या हमारे पास कोई सेल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और इसके अंदर सारा का सारा हमने क्या किया वहाँ पर देखा माइक्रोस्कोप की हेल्प से कि वहाँ पर यार एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोगों ने क्या बोल दिया साइटोप्लाज्म। फॉर एग्जाम्पल कि वहाँ पर क्या है माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पर क्या है प्रेजेंट है, जो क्या होता है डबल लेयर का बना होगा। अब इसके चारों तरफ जितना फ्लूइड इसने कंपोज किया है, इसकी सेल के चारों तरफ जितना फ्लूइड कंपोज है वो क्या होता है साइटोसोल, वो क्या होगा साइटोसोल। अब ध्यान से देखना, इसको तो हमने बोल दिया साइटोसोल। अब देखो, अब यहां पर हम तीन तरह के क्या करते हैं फ्लूइड की डिस्कवरी करते हैं, क्या करते हैं तीन तरह के फ्लूइड की डिस्कवरी करते हैं। एक ऐसा फ्लूइड जो क्या रहता है कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहता है, क्या रहता है जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहता है। एक ऐसा फ्लूइड जो क्या रहेगा मिडल में प्रेजेंट रहेगा, एक ऐसा फ्लूइड जो बिल्कुल मिडल में क्या रहता है प्रेजेंट रहता है, और बाकी का फ्लूइड क्या हो गया, ये कॉर्नर वाला फ्लूइड हुआ, ठीक है। अब बाकी का जो फ्लूइड बचा वो कौन सा फ्लूइड है, वो अब इनके तीन नाम दे दिए जाते हैं। जो कॉर्नर वाला फ्लूइड है वो तो कौन सा होता है माइक्रोफिलामेंट, उसको क्या बोला जाता है माइक्रोफिलामेंट। जो बीच में है जो फिक्स करता है सेल की शेप को वो क्या क्या होता है इंटरमीडिएट, जो बीच में होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, वो क्या होगा इंटरमीडिएट फिलामेंट। लेकिन यहां पर एक स्ट्रक्चर और मिलती है, जो यहां पर जो फ्लूइड सारा प्रेजेंट है, जो सब जगह पे फ्लूइड प्रेजेंट रह गया, उसको क्या बोला जाता है माइक्रो ट्यूबुल, उसको क्या बोला जाता है माइक्रो ट्यूबुल। ये मैक्सिमम नंबर में होता है फ्लूइड, ये क्या होता है स्मॉलेस्ट नंबर में क्या होता है फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या किया तीन स्ट्रक्चर्स के बारे में क्या किया, अभी इसके बारे में पढ़ा है, तब हम करते हैं देखो, अब हम इसके बारे में क्या करेंगे, अब इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला देखो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, ये तो सबसे पहले तो एक ही चीज याद रखना कि जो साइटोप्लाज्म है या साइटोसोल जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। अब आप लोग सोचोगे कि सेल डिवीजन के लिए तो कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, न्यूक्लियस, लेकिन ये न्यूक्लियस की हेल्प करता है, कैसे हेल्प करेगा ये देखो ध्यान से। पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस पढ़ लेते हैं डिटेल में, ठीक है, वो देखते हैं। अब साइटोप्लाज्म जो है उसका मैंने क्या बताया आप लोगों को कि इसके पास क्या है तीन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थी फ्लूइड की, पहला क्या है माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट होगा, जो क्या होता है किसी भी सेल के बिल्कुल कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, जो कहां पर प्रेजेंट होगा किसी भी सेल के कॉर्नर पे क्या होता है प्रेजेंट होता है। ये क्या कर देखो अब ध्यान से देखना, स्मॉलेस्ट इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में सबसे छोटा क्या होगा माइक्रोफिलामेंट होगा, ध्यान नाम से देख लो माइक्रोफिलामेंट कि छोटा सा एक तंतु वहां पर प्रेजेंट है। स्मॉलेस्ट इन साइटोप्लाज्म ये क्या करता है हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म क्या कर रहा है अगर मूव करेगा तो सेल भी क्या कर सकती है, सेल कैन ऑल्सो मूव, सेल कैन ऑल्सो मूव, ठीक है, सेल भी क्या कर सकती है वहां पर मूव कर सकती है। दूसरा अगर हम लोग बात करें इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट
फिलामेंट, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है वो क्या होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये जो हमारी सेल है इसके बिल्कुल मिडल में क्या होगा, वो बिल्कुल बीच में क्या होता है प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है बिल्कुल बीच में ये क्या होगा प्रेजेंट होगा। इसके क्या बोल सकते हैं हम लोग, इट फिक्स द स्पेस फॉर अ न्यूक्लियस, स्पेस फॉर अ न्यूक्लियस। अगर उसमें न्यूक्लियस का स्पेस फिक्स हो गया तो दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिक्स द स्पेस फॉर सेल, फिक्स द स्पेस फॉर सेल। सेल मेम्ब्रेन कोई उसका स्पेस फिक्स नहीं करता, स्पेस फिक्स कौन करेगा, साइटोप्लाज्म का कौन सा फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट वहां पर क्या करता है, जो स्पेस है सेल का उसको क्या करेगा फिक्स करता है। कि फॉर एग्जांपल ये हमारी एक सेल थी छोटी सी, इसके बीच में न्यूक्लियस आएगा, अब इसके चारों तरफ क्या है फ्लूइड रहेगा, चारों तरफ क्या होगा फ्लूइड प्रेजेंट होगा, वहां पर क्या रहेगा, वहां पर वो इंटरमीडिएट फोर्स की वजह से, फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना कि ये हमारे पास एक सेल है, अब इसके बीच में क्या है ये फ्लूइड प्रेजेंट है, ये अपनी तरफ इंटरमीडिएटली क्या करता है फोर्स लगवाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा अब सेल क्या रहेगी उसकी तरफ क्या रहेगी सेल की तरफ वो खींच के रहती है, न्यूक्लियस की तरफ सेल क्या रहेगी खींच के रहेगी, अब वो उसका क्या होगा शेप फिक्स हो जाती है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट होगा क्या, ठीक है अब सेंटर की तरफ फोर्स आया तो क्या होगा वहां पर जो सेल है उसका स्पेस क्या हो जाता है फिक्स हो जाता है। ठीक है, ये दो तो हमने क्या कर लिया डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं माइक्रो ट्यूबुल्स की, क्या किसकी बात करेंगे, माइक्रो ट्यूबुल्स की हम लोग क्या करेंगे बात यहां पर अब करते हैं। देखो माइक्रोफिलामेंट ने तो क्या किया कि मूवमेंट में हेल्प की सेल की या साइटोप्लाज्म की, ठीक है, दूसरे ने क्या कर दिया स्पेस फिक्स कर दिया सेल का, स्पेस क्या कर दिया वहां पर सेल का फिक्स कर दिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोट्यूबुल्स के बारे में, ये क्या करता है देखो ध्यान से, ये लार्जेस्ट होता है नंबर में, लार्जेस्ट इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है या सबसे बड़ा भी होता है, ठीक है। दूसरे के अगर हम लोग डिस्कस करें, ये क्या करता है इट फिक्स द शेप एंड साइज ऑफ अ सेल, इट फिक्स द शेप एंड साइज ऑफ अ सेल, ये तीन चीजें हम लोग क्या करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्या है साइटोप्लाज्म, क्या है हेल्प साइटोसोल, इसमें जो हम इसके फ्लूइड को बोलते हैं वो होता क्या है, इसके अंदर एक तो क्या होंगे सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, दूसरा क्या करता है सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, और इसके तीन काम क्या है कि इसके पास तीन तरह के टाइप्स के प्रोडक्ट प्रेजेंट रहते हैं, पहला होता है माइक्रोफिलामेंट, दूसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट, और तीसरा माइक्रो ट्यूबुल्स। पहले वाले ने मूवमेंट में हेल्प किया, दूसरे ने क्या किया स्पेस को फिक्स कर दिया, और थर्ड वन ने क्या कर दिया शेप एंड साइज ऑफ द सेल को क्या कर दिया वहां पर फिक्स कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, इसमें से ना एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज द थिनेस्ट पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, कि जो साइटोप्लाज्म जो है उसका सबसे थिनेस्ट पार्ट कौन सा है, उसका सबसे थिनेस्ट पार्ट कौन सा है, माइक्रोफिलामेंट इज द थिनेस्ट पार्ट, जो सबसे पतला जो बारीक पार्ट है वो कौन सा है माइक्रोफिलामेंट, और जो थिकेस्ट पार्ट है वो कौन सा होता है माइक्रो ट्यूबुल, थिकेस्ट पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, आप लोग इसको याद रखना। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं जो क्या होती हैं हमें पता होनी चाहिए, किसके बारे में साइटोप्लाज्म के बारे में। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेल ऑर्गन्स के बारे में,
सेल ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। अब हमने इसका क्या कर लिया, इसका जो सेल के सबसे पहले हमने क्या किया, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने क्या बोला था, सेल ऑर्गन में दो तरह के पार्ट होते हैं, एक लिक्विड पार्ट होता है और दूसरा क्या होता है हमारे पास, जो सेल बॉडीज जो प्रेजेंट होती हैं, सेल ऑर्गन्स जो प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला सेल ऑर्गन हम लोग डिस्कस करते हैं वो कौन सा होता है, ध्यान से देखना आप। सेल ऑर्गन में जो सबसे पहला पार्ट आएगा वो कौन सा आएगा, राइबोसोम। देखो ध्यान से सुनना, राइबोसोम। अब सबको पता है कि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ऐसा कुछ आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन एक्चुअल में इसकी फंक्शनिंग क्या है, किसके साथ ये अटैच होकर क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। क्या ये प्रोटीन का जो फॉर्मेशन करता है वो अपने लिए यूज करता है या अदर जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं उसके लिए उसकी फॉर्मेशन करता है। अब देखो याद रखना है, अब इसके पाइये क्या होता है, इट इज द लार्जेस्ट इन नंबर, इट इज द लार्जेस्ट इन नंबर, लार्जेस्ट इन नंबर या क्या लिख सकते हो, मोर इन नंबर इन एनी सेल, मोर इन नंबर इन एनी सेल। किसी भी सेल में सबसे ज्यादा क्या दिखाई देगा हमें, राइबोसोम हमें दिखाई देता है। दूसरा क्या बोलते हैं, इट इज द इंजन ऑफ सेल, इट इज द इंजन ऑफ सेल, कि किसी भी सेल का इंजन का क्या होता है, राइबोसोम होता है। क्यों, ये क्या होता है, प्रोड्यूसर ऑफ प्रोटीन, प्रोड्यूसर ऑफ प्रोटीन, क्या करता है ये, प्रोड्यूसर ऑफ प्रोटीन है, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, इट इज द इंजन ऑफ अ सेल। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, इसके पास जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है, राइबोसोमल न्यूक्लियाई प्रोटीन, राइबोसोमल न्यूक्लियाई प्रोटीन, इसके पास ये कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, किसके पास प्रेजेंट होती है प्रोटीन, राइबोसोमल से याद रखना, राइबोसोम में ये क्या रहती है, प्रोटीन हमें दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका और क्या काम है, इट बाइंड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब ER के साथ में क्या करेगा, बाइंड आउट करेगा, एंड माइटोकॉन्ड्रिया इनके साथ में क्या करता है, बाइंड आउट करता है। दूसरी एक चीज और आप लोग याद रखना, किसको डिस्कवर किसने किया था, राइबोसोम को डिस्कवर किसने किया था, डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेट, जॉर्ज पैलेट किसने डिस्कवर किया था इसको, जॉर्ज पैलेट ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो अब देखो ध्यान से, जॉर्ज पैलेट ने इसलिए इसको डिस्कवर किया था तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, पैलेट्स पार्टिकल। इसका दूसरा नाम क्या होता है, पैलेट्स पार्टिकल, इसका नाम हमें पता होना चाहिए। किसने डिस्कवर किया था इसको, जॉर्ज पैलेट, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। जो HSSC के एग्जाम्स वगैरह आते हैं वहां पर डिस्कवरर के बारे में क्या कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की राइबोसोम काम कैसे करता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज पैलेट और राइबोसोमल न्यूक्लियाई प्रोटीन वहां पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इन चीजों को आप लोग क्या करना, याद रखना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, जो राइबोसोम है वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है और अटैच्ड फॉर्म में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, वो काम कैसे करेगा। देखो जो राइबोसोम है कितने टाइप का होगा, दो तरह का, एक तो क्या होता है फ्री फॉर्म ऑफ राइबोसोम, फ्री फॉर्म ऑफ राइबोसोम। दूसरी अगर हम लोग बात करते हैं अटैच्ड फॉर्म ऑफ राइबोसोम, अटैच्ड फॉर्म ऑफ राइबोसोम, देखो होगा क्या। अब इसमें जो फ्री फॉर्म ऑफ राइबोसोम है
वो क्या करता है, ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस, क्या करवाता है, प्रोटीन सिंथेसिस किसके साथ मिलके करवाएगा, विद द हेल्प ऑफ SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हटाना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक को हटाओ, प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ अदर सेल ऑर्गन मूवमेंट, सेल ऑर्गन मूवमेंट, अभी थोड़ी देर के लिए इसको याद रखो, फिर बताते हैं कि सेल ऑर्गन की मूवमेंट कैसे हो रही है, ठीक है। तो वहां पर क्या करेगा, ये जो प्रोटीन बनी, जो प्रोटीन बनेगी उसका क्या करता है ये, एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेल, एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेल, वो क्या करेगा, उसको सेल से बाहर क्या कर देता है, एक्सपोर्ट वहां पर कर देगा। दूसरी अगर हम लोग बात करें, ये किसके साथ अटैच रहेगा, एक तो रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसके साथ में अटैच रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर दूसरे और की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट कि एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है ये क्या है, सिंगल लेयर ऑर्गन है, सिंगल लेयर ऑर्गन है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में एक ऑर्गन और मिलता है, पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम, ये दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों कैसे होते हैं, डबल लेयर सेल ऑर्गन, ये क्या होता है, डबल लेयर सेल ऑर्गन, और ये सिंगल लेयर सेल ऑर्गन, ये दोनों के दोनों जब मिक्सअप हो जाते हैं तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो क्या रहेगा, अटैच रहेगा, ये कौन सा होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा। दूसरा जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या करते हैं, दोनों के दोनों मिलकर क्या करेंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस करवा लेते हैं, राइबोसोम के साथ जुड़ के क्या करेंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ। अब यहीं से डिफ्रेंशिएट करना, यहां पर क्या किया था इन्होंने, प्रोटीन का सिंथेसिस किया, जिसके बाद क्या हुआ, इसने सेल से क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, यहां से एक्सपोर्ट करने के बाद सेल से कुछ जो बाकी के जो ऑर्गन है हमारी बॉडी में क्या होगी, स्केलेटन मसल्स हो गई, वो क्या रहती है, वो यूज कर लेंगी प्रोटीन को, जिससे क्या होता है हमारी जो बिल्डिंग है, जो मसल बिल्डिंग होती है वो क्या हो जाती है, इंप्रूव होती है। लेकिन यहां पर जो प्रोटीन सिंथेसिस होगा ये हमेशा याद रखना, ये किस लिए होगा, यूज्ड बाय सेल इटसेल्फ, यूज्ड बाय सेल इटसेल्फ, जो सेल होगी वो खुद पे खुद क्या कर लेगी, इसको यूज कर लेगी, यूज्ड बाय सेल इटसेल्फ। ठीक है, यहां पर क्या किया जाएगा, राइबोसोम में जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके साथ मिक्सअप हुआ, डबल लेयर ऑफ सेल ऑर्गन विच इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम, ये क्या करते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएंगे, जिसमें सेल क्या कर लेती है।